आगे आगे रहोदे सर रहोदे असं थांबा तुम्ही महाराज फोटो दिसाय सर का अच्छा रे थोड़े महाराज इच्छा पर थोड़ा पीछे महाराज जी थोड़ा पीछे जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। शंकराचार्य महाराज की जय। आज श्री आद्य शंकराचार्य जी का जयंती है। कर्नाटक सरकार की ओर से डीसी ऑफिस के प्रांगण में आज जयंती का आचरण हो रहा है। हम डीसी ऑफिस के आभारी हैं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से अपना बनाया। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताना है तो ये सनातन धर्म आज जो टिका हुआ है ये पूरी तरह मरणासन्न स्थिति में आया था 8वीं शताब्दी में। उस समय आगमन हुआ शंकर भगवत पादाचार्य का और शंकर भगवत पादाचार्य ने केवल अपने 32 वर्ष के आयु में इस भरतवर्ष का 3 बार परिक्रमा किया, 4 पीठों की स्थापना की, श्रृंगेरी, पुरी, बद्री और द्वारका में, और 16 अखाड़ों का भी उन्होंने निर्माण किया। अखाड़ों का उद्देश्य था इन शक्ति केंद्रों का, इन सनातन धर्म के केंद्रों का संरक्षण। शंकर भगवत पादाचार्य ने अपने 32 वर्ष के आयु में कई क्रांतिकारी काम किए। एक अल्प आयु में गृहस्थ आश्रम में बिना जाते हुए उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाया। संन्यास मार्ग में होते हुए भी अपनी माँ का अग्नि संस्कार करते वक्त वो वहाँ उपस्थित थे, ये उस समय के समाज के नियमों के विरुद्ध था। फिर भी शंकर भगवत पादाचार्य ने कहा कि संन्यास धर्म का उद्देश्य केवल एक ही नहीं है, अपने परिवार के लोगों को हम पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते। और शंकर भगवत पादाचार्य ने बद्री में भगवान विष्णु की बद्री नारायण के रूप में स्थापना की। श्रीनगर में जो सर्वज्ञ पीठ है, जहाँ शारदा मंदिर है, उसका भी आरोहण प्रथम बार शंकर भगवत पादाचार्य ने किया। शंकर भगवत पादाचार्य के ने बताया कि बिना गुरु के मनुष्य का जीवन अधूरा है। अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एक गुरु की आवश्यकता है, और इसी गुरु के शोध में 8 वर्ष का शंकर नर्मदा के तीर पर घने जंगलों से होते हुए, कंटक मार्गों से होते हुए गए, और उनके गुरु गोविंद भगवत पादाचार्य ने उनका परीक्षा लिया और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने के बाद ही शंकर भगवत पाद को उन्होंने अपने शिष्य बना लिया। वहाँ 8 वर्ष शंकर भगवत पादाचार्य ने गुरु की सेवा की, अध्ययन किया, और उसके बाद शंकर भगवत पादाचार्य बचे हुए 16 साल के इसमें कई ग्रंथों पर
टिप्पणी लिखी है, उसमें भगवद गीता पर की टिप्पणी तो बहुत ही श्लाघनीय है। और इसके अलावा उन्होंने विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ बनाए, कई स्तोत्रों का, कई मंत्रों का भी शंकर भगवत्पादाचार्य ने बनाया है। और शंकर भगवत्पादाचार्य अंतिम पड़ाव में केदार में अपना वहाँ अंतर्विलीन हो गए। कहते हैं कि वो शिव का ही अंश थे और शिव में ही विलीन हो गए। 2014 में माननीय मोदी साहब आने के बाद वहाँ पर, जहाँ पर शंकर भगवत पादाचार्य ने अपना प्राण ये किया था या शिव में विलीन हो गए थे, उस स्थान को आज महत्व मिला है। एक भव्य वहाँ पर एक स्थापना, मंदिर की स्थापना वहाँ हुई है। सभी लोग शंकर भगवत पादाचार्य को सिर्फ सनातन धर्म के संरक्षक के रूप में नहीं है, शंकर भगवत पादाचार्य ने बताया है कि अपने जीवन में माता पिता का डेवलप करके आया सर। इससे पहले को कोई प्रधानमंत्री डेवलप किए थे कल मोदी के? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इससे उसका ये हुआ है। मोदी साहब इससे पहले कई बार दर्शन करने गए थे ये हम सुने हैं, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विशेषकर यहाँ पर और ओंकारेश्वर में 108 फुट के शंकर भगवत पादाचार्य के मूर्ति का स्थापना भी उस समय के मुख्यमंत्री ये चौहान जी के हाथ से ओंकारेश्वर में हुआ है। कि शंकर भगवत पादाचार्य को जो धूल ऊपर आया था उसको झटकने का एक बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री और उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। शंकर सेवा समिति बीदर उनका बहुत आभारी है। आपका नाम सर? मैं श्यामकांत कुलकर्णी, शंकर सेवा समिति की ओर से, हम सभी शंकर सेवा समिति के सदस्यों की ओर से, विप्र बांधव की ओर से, हम जिला आडित का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। विश्वकर्मा समाज के सदस्य लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में विश्वकर्मा समाज और सब लोग मिलकर इस जयंती को और शानदार ढंग से मनाएं। जगतगुरु शंकराचार्य की जय। जगतगुरु शंकराचार्य की जय। जगतगुरु शंकराचार्य की जय।